नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले राशन कार्ड के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपना यहाँ पर राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले किस प्रकार से आप अपने आधार से अपना यहाँ पर राशन कार्ड बना सकते हैं, कैसे बनाना है तो आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है दिलकुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलकुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके ऊपर साइन इन का ऑप्शन शो करेगा, पर देखते हैं तो आपके ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा पब्लिक लॉग इन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अगर आप लोग इस पर अभी तक अपना आईडी नहीं क्रिएट किए हैं तो उसके लिए आपको नीचे शो करेगा न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप किस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने साइन अप का पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। रजिस्टर न्यू यूजर, आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर जो आधार में नाम है वही नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन फिलअप करेंगे और फिर आपका जो जेंडर है उस जेंडर को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको यहां पर देख सकते हैं अपना एक लॉगिन आईडी बना लेना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर वही पासवर्ड को यहां पर कन्फर्म पासवर्ड में फिलअप करना है। फिर यहां पर देखते हैं आपको मोड में आधार नंबर सेलेक्ट करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और आपको एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट पे क्लिक करके आप किस भी स्टेट से आते हैं पर देखिए यहाँ पर सभी स्टेट का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर जो भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी जिला है उस जिला को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो तहसील है उस तहसील को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो गाँव का नाम है उस गाँव को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस को इस बॉक्स में फिलअप करना है। अगर आपका कोई सेकेंड एड्रेस है तो उसको भी यहाँ पर फिलअप करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। फिर आपको अपना एक एम पिन बना लेना है, पिन बना लीजिएगा। फिर ये जो कैप्चा मिल रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद सबमिट करेंगे तो सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल पर आधार रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को फिलअप करके सबमिट करेंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपको फिर से यहाँ पर साइन इन वाले पर जाना और पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करना है। पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें लॉगिन करना होगा, तो चलिए यहाँ पर हम पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन शो करता है, आप किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो हम अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा फिलअप करके जनरेट ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओटीपी सेंड सक्सेसफुली योर मोबाइल लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर आधार इस्तेमाल पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो हम फिलअप करने के बाद यहाँ पर यूज ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग बताएगा, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम वेट करेंगे, उसके बाद मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग में आपका लगा है तो आपको वेट करना है। आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग ले रहा है तो आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको कॉमन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेटस और गेट आरसी डिटेल, यहाँ पर अपना राशन कार्ड का डिटेल भी निकाल सकते थे। हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डाटा लोडिंग बहुत यहाँ पर ले रहा है, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेट का, जो भी स्टेट है आपका उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है पर राशन कार्ड बनाने का। यहाँ पर देख दें पर सात स्टेप में अपना यहाँ पर राशन कार्ड को फिनिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपका जो भी यहाँ पर आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं अंत्योदय अन्य योजना वाला बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सेलेक्ट बेनिफिशरी टाइप में आपको राशन सेलेक्ट करना है और फिर इस तरह से आपको एक फोटो अपलोड कर देना है, फैमिली फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर जो आप यहाँ पर राशन कार्ड का जो भी इसको मेन होल्डर बनाना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर हम राशन कार्ड में यहाँ पर जो सॉरी जो यहाँ पर आधार कार्ड में नाम है उस नाम को यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करके यहाँ पर जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेल फीमेल जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मैंशन करेंगे। फिर यहाँ पर उसका मदर नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पर हिंदी में मदर नेम फिलअप करेंगे। फिर उसका फादर का नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप यहाँ पे करेंगे और हिंदी में टाइप यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पे आप जिसका भी यहाँ पर राशन कार्ड बना रहे शादीशुदा शादीशुदा कीजिएगा
होने पर जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर जैसे आप करेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे मैरिज, तो यहाँ पर स्पॉन्ज नेम डालना होगा, आप जो भी सेलेक्ट करते हैं वो आपको डाल देना है। फिर आपका जो नेशनलिटी है वो यहाँ पर डालिएगा, हम इंडियन है इंडियन देते हैं। फिर एक मोबाइल नंबर डालना है, फिर एक ईमेल आईडी अपना डालना है, फिर आपको इस साइड आ जाना, इस साइड में अपना अगर आप जिसका आप यहाँ पर मेन होल्डर बना रहे हैं उसके पास वोटर आईडी नंबर है तो वहाँ पर डालिएगा, नहीं तो से आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसका यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, अगर मनरेगा कार्ड है तो इसमें क्लिक करके मनरेगा नंबर डालना होगा, नहीं है तो इसको हम टिक अनटिक करेंगे और यहाँ पर यू आईडी नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल में आपको यहाँ पर वो कौन सा काम करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी काम करता है उस काम को आप यहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसका एनुअल इनकम कितना देना है, आपको 6000 देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। फिर आपको यहाँ पर बीपीएल नंबर है तो डालिए, या ओल्ड आरसी नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़कर यहाँ पर कंसेंट दीजिएगा और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर फिलअप करके हम सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। आपका सेकंड स्टेप में आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर एड्रेस है, पूरा एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पर फिर अपना एडिशनल डिटेल फिलअप करना है, फिर आरसी मेंबर यहाँ पर जितना भी मेंबर का नाम जो है यहाँ पर जोड़िएगा। इस तरह से आप यहाँ पर अपना स्टेप पूरा करके अपना राशन कार्ड यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों अपना यहाँ पर राशन कार्ड यहाँ पर ऑनलाइन नया वाला इस प्रकार से आपको दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।